ये देखो, कुछ ऐसी हालत हो जाती है एक्सीडेंट वाली XUV300s की। ये ब्लैक कलर में देख लो, वाइट, 5 स्टार रेटेड कार है। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं कार्स विद शिवांश एंड आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। तो आज मैं जा रहा हूँ महिंद्रा के सर्विस सेंटर। अपनी XUV300 में कुछ कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो मैंने सोचा कंपनी लेके जाया जाए गाड़ी और वहाँ पर ही चेक कराया जाए, क्योंकि गाड़ी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 8 महीने बस हुए हैं लिए हुए, और 2-3 ऐसी दिक्कतें आ रही थी जो मुझे काफ़ी दिक्कत जा रही है जिसकी वजह से गाड़ी में। तो अभी अपन बस आने ही वाले महिंद्रा के सर्विस सेंटर। यहाँ देखो, आपको दिख जाएगा महिंद्रा का सर्विस सेंटर आ गया है। महिंद्रा का सर्विस सेंटर वैसे भी मेरे घर से बहुत दूर है, तो मैं आज इसलिए आया हूँ यहाँ पे क्योंकि दिक्कत बहुत आ रही है गाड़ी में। 3 प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ अभी अपनी XUV300 में। गाड़ी हम लोगों ने ली थी अगस्त के 2021 में, मतलब गाड़ी को ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो चुके हैं, पर अभी मैं 3 प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ अपनी XUV में जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि अगर आप महिंद्रा की गाड़ी लेते हो और कोई प्रॉब्लम आती है गाड़ी में तो सर्विस सेंटर वाले जो हैं अपने, मतलब अपने सर्विस सेंटर वाले आपको कैसा रिस्पॉन्स देते हैं आपको सब समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम्स बता देता हूँ तीनों अपनी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी मैं फेस कर रहा हूँ वो है अपने AC की। देखो, मेरे को पता है गर्मी का टाइम है, ये देखो थोड़ी आवाज़ कर रहा है AC। आवाज़ से मुझे दिक्कत नहीं है, दिक्कत है मुझे कूलिंग से, कूलिंग अच्छे से नहीं कर रहा है बिल्कुल। अभी वैसे बहुत गर्मी है इंडिया में, मई का टाइम चल रहा है, मैं MP जबलपुर में रहता हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर 42 से 45 डिग्री तक भी टच कर रहा है, बहुत गर्म शहर है इंडिया का। तो दिक्कत ये नहीं है कि AC में आवाज़ आ रही है, AC कूलिंग अच्छी नहीं कर रहा है। और अभी कभी कई लोग बोलेंगे कि यार अभी इतनी गर्मी है, AC एक बार में इफ़ेक्टिव नहीं रहता काफ़ी गाड़ियों में, पर ऐसा नहीं है। अपने पास इको स्पोर्ट भी है, टाटा की हैरियर भी है, और टाटा मेरे दोस्तों के पास भी नेक्सॉन है, तो मैं देखता रहता हूँ यार वो गाड़ियाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं इन टर्म्स ऑफ AC, इन टर्म्स ऑफ कूलिंग। बट XUV300 हैज़ सम प्रॉब्लम्स। इसका जो AC है वो शुरू से हम लोगों को इतना अच्छा नहीं लग रहा था। अगस्त के टाइम पे जब गाड़ी ली थी तब तो AC अच्छा परफॉर्म करा, उसके बाद ठंड आ गई, ठंड में इतनी ज़्यादा AC का अपना काम चला नहीं तो इतना समझ में नहीं आया। पर जैसे ही मार्च में वापस समर स्टार्ट हुए तो AC मुझे दिक्कत दे रहा था, पर टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। पर अभी मेरे को फाइनली मई में टाइम मिला है, तो मैंने सोचा कि यार अब लेके जाया जाए और पूरा दिखाया जाए और साथ में वीडियो भी बनाया जाए, जिससे सब भाई लोगों को समझ में आ जाए कि महिंद्रा की गाड़ी अगर लेते हो आप तो सर्विस कैसी मिलती है अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो AC का ऐसा है कि यार AC इफेक्टिव काम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा इसको फ़ैन की स्पीड बढ़ानी पड़ती है तब जाके गाड़ी ठंडी होती है। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि महिंद्रा की गाड़ियाँ भी बहुत बिक रही हैं, महिंद्रा की थार, महिंद्रा की अपनी XUV700 एंड अपनी 300 की भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, 3000 यूनिट्स बिक रही है हर महीने। तो क्या होता है जब मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा तेज़ होती है ना, तो कंपनी वालों के साथ ये सब गलतियां वो कर देते हैं कि AC का शायद गैस जो होती है जो इसमें वो टॉप अप अच्छे से नहीं की होगी, या कुछ कुछ दिक्कतें हो जाती हैं उनसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उतना अच्छा काम नहीं हो पाता, इसलिए मुझे लग रहा है AC की प्रॉब्लम है। और AC अभी अपन देखेंगे क्या होता है। सेकेंड नंबर जो मैं प्रॉब्लम अपनी फेस कर रहा हूँ वो है सॉफ्टवेयर की। इसका जो सॉफ्टवेयर है, मतलब इसकी जो टच स्क्रीन है, ये टॉप मॉडल है XUV का, W8 ऑप्शन, तो इसमें इसका सॉफ्टवेयर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। कभी कभी ये एप्पल कारप्ले से अपने आप नॉर्मल रेडियो पे चला जाता है या मीडिया पे चला जाता है, और कई बार वॉल्यूम अप करो तो भी इसमें मोड चेंज हो जाता है, मीडिया चेंज हो जाती है। तो एक ये प्रॉब्लम हो गई है, काफ़ी मैंने फेस करी है ये वाली। कई बार स्क्रीन भी ऑन नहीं होती, जैसे मैं गाड़ी ऑन करता हूँ ऑफ करके तो स्क्रीन भी नहीं आती है, तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। लास्ट जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ वो है अपने ORVM की। जैसा कि आप देख पा रहे होगे ये बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ये काफ़ी आवाज़ करता है जब गाड़ी में चलाता हूँ। इसका मैं अभी एक शॉट डाल दूंगा, जब मैं रास्ते में लेके आ रहा था तब भी ये आवाज़ कर रहा था। तो ये 3 प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद अगर गाड़ी में कुछ भी आवाज़ आए अपन जब चलाते हैं, तो एक तो ये काफ़ी ज़रूरी है इसका सही होना। सॉफ्टवेयर का इशू है वो मुझे पता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सॉफ्टवेयर का इशू सॉल्व हो जाएगा, रिजॉल्व कर देगी कंपनी। और AC का अपन देखेंगे कि उन लोग क्या बोलते हैं कि भैया AC में क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सब बताऊंगा। अपन चलते हैं बस अभी महिंद्रा सर्विस सेंटर के अंदर, आप लोग रहना साथ में, देखते हैं कि वहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स मिलता है अपन को।
तो भाई सर्विस सेंटर वालों ने मुझे बोला कि गाड़ी आपको शाम को ही मिल जाएगी और सारी जो भी दिक्कतें हैं सब सॉल्व कर दी जाएंगी। पर मैंने ये सब बातें करते हुए इसलिए शूट नहीं किया उनका वीडियो, क्योंकि वो समझ जाते कि मैं कैमरा लेके आया हूँ और फिर अच्छी सर्विस देने की कोशिश करते कि कहीं मैं ये वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा या जहाँ भी डालूंगा तो उससे उनकी कुछ बदनामी ना हो जाए। इसलिए मैंने अनोनमसली शूट कर लिया और फिर देखा कि सर्विस कैसी रही। तो गाइज़ अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर में कंप्लीट हो चुकी है, अभी अपन को फ़ोन आया। तो जब तक मैं देख रहा था यार, ये देखो कुछ ऐसी हालत हो जाती है एक्सीडेंट वाली XUV 300 की। ये ब्लैक कलर में देख लो, वाइट, 5-स्टार रेटेड कार है। इंडिया की पहली 5-स्टार रेटेड कार तो नहीं, पर नेक्सॉन से ऊपर थी इसकी रेटिंग एक टाइम पे। बहुत अच्छी है बिल्ड क्वालिटी। और अब चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, देखते हैं कंपनी वालों ने कैसा काम किया। तो अपनी गाड़ी इस बार बहुत अच्छे से साफ़ करके दी है महिंद्रा वालों ने। वही मैं देख रहा था कि यहाँ आप लोग अंदर देखिए, और बिल्कुल ये सब इसको ये भी लगा के देने लगे आजकल भैया। ये पहले नहीं लगा के देते थे ना ये सब? मैकेनिक लोग बैठते हैं तो सीट खराब कर देते ना। अच्छा, मैकेनिक लोग मतलब लगा के देते हैं, मैकेनिक लोगों के बैठने के कारण। अच्छा अच्छा, और इसके वाइट है ना इंटीरियर, तो ये सब लगा के दिया है। गियर नॉक पे भी अच्छा है। तो अभी देखते हैं गाड़ी में काम कैसा हुआ है। बाकी गाड़ी साफ तो बहुत अच्छे से करके दी है महिंद्रा ने इस बार, आप लोग देख सकते हो। तो गाइज इस बार महिंद्रा वालों ने गाड़ी बहुत अच्छे से सर्विस करके दी है। गाड़ी आप लोग देख रहे होंगे कितनी चमक रही थी, अभी बहुत अच्छे से काम किया है। जबकि इन लोगों को ऐसा कुछ पता नहीं था कि मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ऐसा कुछ। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इन लोगों ने अपना एसी फिल्टर चेंज कर दिया है और ये बहुत गंदा हो गया था, तो इसी की वजह से शायद एसी में आवाज़ आती थी वो अब सही हो गई है। एसी की परफॉर्मेंस अभी समझ में आ जाएगी कि कितनी अच्छी हुई है कितनी अच्छी नहीं हुई है, वो सब अभी देखना पड़ेगा अपन को। बाकी जो IRVM है अपना जो मिरर है पीछे वाला, इसको भी सही किया इन लोग, ऐसा बोल तो रहे हैं। इसको भी अभी देख के पता चलेगा कि इससे आवाज़ आ रही है कि नहीं। अभी मैंने एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव ली, उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बाकी सॉफ्टवेयर अपडेट भी कह रहे हैं कर दिया है। सॉफ्टवेयर अपडेट तो वैसे कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, जो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही थी जिसमें, पर करवाना ज़रूरी था सॉफ्टवेयर अपडेट। तो भाई ये रहा बिल, बिल आप देख सकते हो 366 रुपीज़ लगे हैं, और ये भी सिर्फ जो अपना AC फिल्टर है उसके लिए गए हैं। तो काम बहुत अच्छा था, AC फिल्टर भी चेंज हो चुका है गाड़ी में, AC अब अच्छे से काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। अभी मैं देखूंगा कि सही में अपडेट कितना किया कितना नहीं किया। और जो अपना IRVM है उसकी भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी तो मैं सर्विस से महिंद्रा की काफ़ी खुश हूँ कि उन्होंने अभी अच्छी सर्विस की। अभी अपनी गाड़ी जब 10,000 किलोमीटर चल जाएगी तब अपन इधर पे लेके आएंगे, तब ऑयल फिल्टर और अपना सब कुछ, जो अपना सब कुछ चेंज होता है उसमें ऑयल चेंज होता है, मतलब जो बड़ी सर्विस होती है वो रहेगी। तो तब देखते हैं कैसा रहेगा। बाकी अभी वीडियो देखने के लिए आप सबको शुक्रिया। सर्विस काफ़ी अच्छी है, मतलब महिंद्रा की गाड़ी आप लोग ले सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।